इस डर से केंजल ने हॉस्पिटल में नहीं किया फोन ईशानी को गलत दवा देने वाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। केंजल ने अपनी समझदारी का आज एक और नमूना दिया। केंजल को पता चल गया कि ईशानी को बापूजी ने गलत दवा दे दी है, मगर वो चुप रही काफी समय तक। मगर फिर उसने घर के लोगों को बताया कि बात सही है, गलत दवा ही दी गई है। मगर ये क्यों, ये बात तो हॉस्पिटल में बतानी चाहिए थी। अगर डॉक्टर को पता होता तो डॉक्टर और अच्छे से ट्रीट करता, तो ये क्यों हुआ? चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जहां तक मेरा सवाल है, पहले मुझे इसी बात पे गुस्सा आ रहा था कि केंजल जैसे ही पता चला वैसे ही हॉस्पिटल में फोन करे, बताए उनको कि ये वाली दवा दी गई है ताकि डॉक्टर जल्दी से ट्रीटमेंट कर सके। मगर फिर जब बात हुई दूसरे लोगों से कि क्यों हुआ, फिर समझ में आया कि केंजल ने बापूजी को बचाने के लिए, क्योंकि केंजल इतना तो जानती है कि जितना टाइम हो गया है ईशानी को वहां पे गए हुए, डॉक्टर ने डायग्नोस कर लिया है तो ईशानी तो ठीक हो जाएगी, अब ये बताने का फायदा नहीं है। मगर अगर मैंने ये अब बता दिया हॉस्पिटल में फोन करके, वहां पे पाखी भी है और पाखी क्या क्या बोल सकती है, क्योंकि पाखी की जुबान पे फिल्टर तो है ही नहीं, तो वो बापूजी को क्या क्या सुनाएगी, अपनी गलती बापूजी पे थोपेगी, ये वो जानती है। इसलिए उसने बापूजी को बचाने के लिए ये वाला जो फोन है वहां पे नहीं किया हॉस्पिटल में। अब जब यहां पे आएंगे, घर में आएंगे, तब होंगे सब लोग बापूजी के साथ, ये सब लोग जिनको पता है कि पाखी ही कसूरवार है। मगर वहां पे ना तो वनराज को पता है पाखी कसूरवार है, ना तोशु को पता है, ना ही अनुपमा को पता है। बापूजी को तो बोलने लायक उसने छोड़ा ही नहीं होगा, यहां पे सबको पता है, तो यहां पे सब लोग बापूजी की तरफ से बोल सकते हैं। इसीलिए केंजल ने ये फोन कॉल जो है हॉस्पिटल नहीं किया। तो ये मेरे मन में शंका आई, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों ने भी सोचा होगा कि आखिर केंजल ने बताया क्यों नहीं। तो ये पर्सपेक्टिव केंजल का है, क्योंकि वो एक समझदारी के साथ चलती है, बैलेंस करके चलती है चीजों को। तो अब मजेदार होगा जब पाखी की क्लास लगेगी, वो मजेदार होगा। क्या कहते हो आप, इसमें कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.